और ये हमारे मित्र हैं, इन लोगों ने फिल्म बनाई है। और सबसे जो मुझे अभी बताया इन लोगों ने कि जो मुझे बहुत ख़ास बात लगती है, और जिस तरह की बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं उसमें तो काफ़ी इम्पॉसिबल लगता है, कि एक 3 लोगों की क्रू ने अमेरिका में एक 10 लाख के बजट में फिल्म बनाई। और मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा है, और अगर आप भी ट्रेलर देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि फिल्म किसी भी बॉलीवुड ए क्लास प्रोडक्शन से कम नज़र नहीं आती है। तो मुझे जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था फिल्म के बारे में, तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा तो रिसर्च करूँ। देन आई सॉ द ट्रेलर एंड आई वाज ब्लोन अवे बाय इट एंड बाय द फैक्ट कि इतनी शिद्दत, इतने कन्विक्शन के साथ लोग काम करते हैं। कि देखिए, बड़े बजट के साथ, पूरी टीम के साथ, स्टार कास्ट के साथ में फिल्म तो बनाना आसान तो नहीं, लेकिन बहुत लोग कर सकते हैं। लेकिन एक इतने छोटे बजट में 3 लोगों के क्रू के साथ पिक्चर बनाना और इस तरह की फिल्म बनाना जिसका लुक इंटरनेशनल हो, मैं समझता हूँ मैं बहुत दाद देता हूँ प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को और जो भी इनकी टीम है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि फिल्म ऑनलाइन रिलीज के ज़रिए बहुत लोगों तक पहुँचे, और इट विल सर्टनली इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि यस, वी कैन ऑल्सो मेक अ फिल्म लाइक दिस, यस वी कैन ऑल्सो मेक अ टेल अ स्टोरी विद अ वेरी बेसिक क्रू एंड विद नॉट टू मच अ बजटरी सपोर्ट। नहीं, देखिए क्या है, फिल्म के बिजनेस में रिस्क और प्रॉफिट जो है ना वो इससे तय होता है कि फिल्म पर आपने खर्चा कितना किया। लेकिन अगर आपने फिल्म जो है वो लगभग 10 लाख रुपए में बनाई है, तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि इस फिल्म की लागत, और ना सिर्फ लागत बल्कि इस फिल्म पर ऑनलाइन उसको रिलीज करके उस पर प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। अगर इस फिल्म पर बहुत पैसा लगा होता तो शायद आप सोचते कि क्या ऑनलाइन रिलीज करके उस फिल्म की लागत को आप निकाल पाएंगे या नहीं। लेकिन चूंकि बहुत टाइट बजट में फिल्म बनाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि द फिल्म विल फाइंड इट्स ऑडियंस ऑनलाइन। सर, द फिल्म विल बी ओनली कन्फाइंड टू ऑनलाइन रिलीज, और यू नो यू विल बी रिलीजिंग इन थिएटर, लाइक देयर आर मीडियम्स लाइक रियर रेड थिएटर, टीवीआर हैव गॉट दैट, सो यू विल बी यूजिंग दैट मीडियम आल्सो, इट विल बी कन्फाइंड टू ऑनलाइन एज सर। राइट नाउ इट्स कन्फाइंड टू द ऑनलाइन स्पेस। इनफैक्ट द बैक स्टोरी ऑफ दिस फिल्म इज आई हैव बीन ट्रैवलिंग विद दिस फिल्म फॉर द लास्ट 1 ईयर। आई एम कॉलिंग द ग्रेट इंडियन ट्रैवलिंग सिनेमा। सो आई हैव डन 90 स्क्रीनिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग US, सिंगापुर, इंडिया। So people have seen the movie already, a lot of people. And now I'm going finally to online, because my audience is on the internet. I'm sure you, me, all of us are on the internet all the time. Have you been inspired by somebody or somebody? In India, no, because frankly, my first movie, Love Wrinkle Free, I made a movie called Love Wrinkle Free before this. So that had a PVR director's rare release. Okay. So I went through that process. I realized that you get a single show in one very odd timing. Okay. And so I don't want to go through the process again like that. You know, I want my film to be watched by some people at least. Okay. So I've shown a lot of people in the Standy screenings, and now online, I'm reaching out to all these people who have seen my movies in various places. So, plus they will spread through word of mouth, you know. So, I think... Yeah. But what I'm saying, plus it's about film's story, not exactly story yeah. in the film. Yeah, it's a story of an Indian IT guy, techie, okay. Venki, who stays in Matunga. And he's sent to US for a leadership seminar. And essentially it's a story of a techie from his groin to his heart. It's an adult humor, but in a good space, not sleazy, not in the... dirty space. It's a nice, sensible comedy about a guy from whose journey from his groin part to the heart part. You know, that's pretty much. And also the Indo-Mex. Rasko. अपना गर्दन दबाता है ना, तब वो पोजीशन क्यों है यार, वो आराम से आराम आराम से आराम भाई लोग आराम कार पीछे हाथ मार रहा है। दादा
एक रिसेप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहते थे मैं और दिवाकर सर कि सीधा ही लोगों से पूछे कि उनको फिल्म कैसी लग रही है। तो मूवी के बारे में लाइक कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है और ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? रियल स्टोरी तो नहीं है, एक ऑलमोस्ट रियल कैरेक्टर ब्योमकेश बख्शी पे बेस्ड है। अब उसका डेंजर ये है कि ब्योमकेश बख्शी की छवि बहुत पूरे भारत के दिमाग में बहुत क्लियरली है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई किसी ने पुरानी टीवी सीरियल देखी है। अभी जो लग रहा है कि सुशांत के ब्योमकेश से एक नई तस्वीर दर्शक के दिमाग में लगी है, क्योंकि मैं ज़्यादा अपने रिव्यू भी नहीं पढ़ता, लेकिन सबने बताया कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। मैं ज़्यादातर दर्शकों से डायरेक्ट सुनना चाहता हूँ कि कैसी लगी है फिल्म। तो अभी हम हॉल के बाहर थे और इंटरवल में लोग निकले और एक पता एक स्माइल होती है दर्शक के। कभी कभी क्या होता है कि दर्शक बाहर आता है तो कहते हैं कि डायरेक्टर और स्टार है यार, उनको तो अच्छा बोल दो, बेचारे लड़कों को अच्छा बोल दो। तो वो कभी कभी होता है पोलाइटनेस के चक्कर में, लेकिन पिछले पाँच फिल्मों में मैंने एक चीज़ देखी है, दर्शक के मुँह में एक स्माइल होती है। इसका मतलब है कि पैसा वसूल कह लो या शांति कह लो कि मेरा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा और मेरा टाइम बल्कि बहुत अच्छा जा रहा है। दर्शक को निकलते वक्त हर एक की शक्ल में मेरे को वो स्माइल दिखी। अब मैं अपनी फिल्म में ज़्यादा दर्शकों की स्माइल में ज़्यादा कुछ समझ रहा हूँ, वो मेरी गलती है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप लोग जज करेंगे। लेकिन फेसबुक, ट्विटर, फ़ोन कॉल्स मतलब बंद नहीं हो रहा है कि सबको इतनी अच्छी लग रही है। और इस तरह की फिल्म जो पहले बनी नहीं, तो
तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े सक्सेस की बात है, बट आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे देखते हैं कि कई सारे डायरेक्टर है जो जैसे कई सारे डायरेक्टर जिनका ये कहना है कि 3 घंटे की मूवी 100 दिन का काम, तो कोई 3 घंटे की यू नो रिव्यू कोई इतना मान्यता नहीं रखती है पब्लिक। कुछ पब्लिक ऐसी होती है जो बोलती है कि मूवी में ये कमी थी या वो कमी थी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे को उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं भी तो फिल्म, पहली बात है मेरी फिल्म की मेरे फिल्म का टाइमिंग है 2 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे की है नहीं, उससे काफ़ी कम है। तो 2 घंटे 10 मिनट में मैं भी एक फिल्म 2 घंटे में ही देखता हूँ, 2 घंटे 10 मिनट में ही देखता हूँ, और उसके बाद जो मैं फील करता हूँ वो मैं फील करता हूँ, तो ऑडियंस भी वही फील कर रही है। मेरा मन कहता है कि ये फिल्म इतनी अलग है, लेकिन अलग होने के बावजूद ऑडियंस को लग रहा है कि कोई मुझे बैठ के कहानी सुना रहा है और मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है। उसने मेरी इंटेलिजेंस को, मेरे को इंटेलिजेंट समझा जी, बिल्कुल। एवरीबडी इज थिंकिंग कि मेरे को इंटेलिजेंट समझा आपने, मेरे को साथ बैठा के आप एक कहानी कह रहे हैं, ये स्माइल मैं दर्शक में देखा। बिना किसी शोर शराबे के क्लाइमेक्स रख देना और एक कनेक्शन मुंगेर का जो अलग ही तौर पर योगेश का अब तक किसी ने नहीं एक्सप्लोर किया, ये कहाँ से सोचा और इसके पीछे क्या रिसर्च? इसका रिसर्च एक्चुअली सुशांत से उतना नहीं है जितना शरदेंदु बैनर्जी से है। आज जो आप सब लोग यहाँ पे कैमरा लेके हैं और इतने दर्शक हॉल के अंदर है और आज हम सबकी शक्ल पे इतनी चमक है और इतनी स्माइल है, इसका कारण शरदेंदु बैनर्जी है जिन्होंने आज से 70 साल पहले ये ब्योमकेश रचा। वो शरदेंदु बैनर्जी मुंगेर से आते थे, उनका जन्म मुंगेर में हुआ और वो कलकत्ता में फिर पढ़ने आए, फिर यहाँ पे रह गए। तो उनके मैंने ब्योमकेश और शरदेंदु के कैरेक्टर को एक कर दिया है। इनकी शुरुआत भी कहीं बिहार के आसपास से ही कहीं है और शरदिंदु की शुरुआत भी कहीं आसपास में बिहार में कहीं है, तो वहीं से इसलिए। दिवाकर, एक सवाल ये भी उठता है कि हाल फिलहाल शंघाई को देखें तो वो एक अडाप्टेशन थी और अब फिर हमने इस अडाप्टेशन, क्या आने वाले वक्त में हम अडाप्टेशन ही देखने वाले? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। जब जिस फिल्म का या जिस कहानी का जुनून चढ़ता है उस वक्त वही करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। सुशांत, हम आपसे जानना चाहेंगे, लाइक हर किसी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि मूवी की ऐसी होनी चाहिए, तो लाइक ये मूवी एक्सपेक्टेशन पे, जैसे पब्लिक के रिव्यू से देखें तो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है? अभी तक तो बहुत ही सराहना मिल रही है फिल्म को, सब यही कह रहे हैं जो कलकत्ता के बारे में जानते हैं, जो ब्योमकेश के बारे में जानते हैं, वो बाहर निकल के अभी भी यही कह रहे थे कि हमने जब किताब पढ़ी और जैसा विजुअलाइज़ किया था, या हम कलकत्ता को जानते हैं 1940s की, आपने इतनी छोटी छोटी चीज़ संभाली हुई है और हमें बहुत मज़ा आ रहा देखें। एग्जैक्टली इसीलिए हम लोग काम करते हैं और हमें बहुत ही प्रेज मिल रहा है, इट्स वेरी इनकरेजिंग। एक बात है, हम दोनों बहुत डरे हुए थे कि कलकत्ता में ब्योमकेश का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि वहाँ पर तो ब्योमकेश का गढ़ है और वहाँ पे लोग बोलेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत कब से ब्योमकेश बख्शी बन गया। तो वहाँ से जो रिपोर्ट मिली है वो यही बोल रहे हैं कि जो दर्शकों के लिए सुशांत सिंह राजपूत वाकई में ब्योमकेश बख्शी। सर, आपकी पिछली फिल्म पीके बहुत सक्सेस हुई, आपको इस उम्मीद से, इस फिल्म से क्या उम्मीद है? इससे भी यही उम्मीद है कि लोग आएँ और उनको काम अच्छा लगे। हमने अपनी पूरी मेहनत करी है। सर, कितने करोड़ कमाए? करोड़ों में नहीं जानता, मुझे जितने करोड़ मिले थे मैंने फिल्म शुरू होने से पहले ले ली। अब मुझे ये देखना है कि जो हमने इतनी मेहनत करी है, जो 2 साल लगाए हैं लोगों के 2 घंटे अच्छे करने के लिए, वो हुआ कि नहीं। So, ये कह सकते हैं पैसा वसूल कुछ है? बिल्कुल, मेरे को जो लग रहा है वैसा है। अब मेरा थोड़ा सा स्टैम्प भी है, थोड़ी इंटेलेक्चुअल फिल्में बनाता हूँ या ऐसा कुछ करता हूँ, मैं बिल्कुल इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ एकदम। मेरे को जो दर्शक की शक्ल में जो चमक लग रही है उससे लग रहा है, मैं फिर से बोलूँगा कि दर्शक बोल रहा है कि यार तुमने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, तुमने मेरी इंटेलिजेंस, तुमने मेरे को बेवकूफ़ नहीं समझा, उसके लिए मैं तुम्हें एक मार्क देता हूँ। अक्सर हम जासूसी फिल्मों को देखते हैं, बहुत शोर शराबा, बड़ा ड्रामेटिक टेंशन क्रिएट किया था, लेकिन ये किताब की तरह सादी है क्या पहले से ही ये दिमाग में? ये किताब की तरह सादी एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली अभी जो लोग वापस अभी निकले उन्होंने कहा एज ऑफ द सीट है अभी भी, और मैं हॉल में जाके देख चुका हूँ, ऑडियंस जिस तरह से देख रही है लगता है कि वो एकदम आंखें टिका के देख रही है कि ब्योमकेश क्या कर रहा है, और हर सीन में, हर शॉट में क्लू है, क्राइम कौन, क्रिमिनल कौन है, यू नो असली माजरा क्या है, इसकी राज क्या, उसका क्लू है। तो मेरे ख्याल से एज ऑफ द सीट है, अभी आके उन्होंने जो बताया वो एज ऑफ द सीट वाली फीलिंग सही तो लग रही है, मेरे ख्याल से दर्शकों को वो फीलिंग तो लग रही है। बाकी ये है कि यार जो फिल्में बनाते हैं और जो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं उनको हर वक्त ऐसा कहने में अच्छा लगता है कि दर्शकों को अच्छी लगती है ये वो, इसलिए हम यहाँ पे आके हमने गेज करने की कोशिश की।
इतना इमोशन था दर्शकों में, जिन्होंने हमको सराहा, जिन्होंने हमको मतलब अच्छा कहा, वो इमोशन मैंने पहले कभी नहीं देखा।